ल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन से चार इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जी आगे पहली अपडेट जो है इस पर हम लोग बात करेंगे कि जो पंच पंच लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति बांटी जाएगी इनमें से बोला गया कि पंद्रह लाख छा, छात्रों को लास्ट नवंबर तक स्कॉलरशिप दिया जाएगा तो किनको नवंबर में दिया जाएगा किन को दिसंबर में दिया जाएगा आपको कब मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे फिर आगे बात करेंगे स्टेटस कहाँ से कैसे चेक करना है स्टेटस कब से शो होगा साथ ही करेक्शन को लेकर जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे कि सर ये बताइए करेक्शन कैसे करना है कब ओपन होगा पोर्टल तो सब कुछ इस में आपको और इस बार की स्कॉलरशिप जाओ अगर छोटी सी भी आप गलती कर देते हो करेक्शन के टाइम में तो आपकी स्कॉलरशिप आपके हाथ से जा सकती है तो वीडियो को पूरा देखना सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज इसकी मत करना देखिए दिसंबर तक बांटी जाएगी पचपन लाख से अधिक छात्रों को छात्र छात्रवृत्ति सीएम योगी पंद्रह लाख से अधिक छात्रों को देंगे छात्रवृत्ति अब देखिए इतनी बड़ी न्यूज है इसको मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा पढ़ भी लेना इसको मैं समझा देता हूँ ये न्यूज है क्या देखिए इसमें बोला गया है कि जिन छात्रों की जिन छात्रों का स्कॉलरशिप का फॉर्म पच्चीस अक्टूबर से पहले भरा गया था और सत्ताईस अक्टूबर तक फॉरवर्ड कर दिया गया था ऐसे पंद्रह लाख छात्रों को कितने लाख छात्रों को पंद्रह लाख छात्रों को स्कॉलरशिप तीस नवंबर को देने की बात कही जा रही है मतलब अगर आप भी अपने कॉलेज में पूछना देखिए बात बड़ी ये नहीं होती कि आप पच्चीस अक्टूबर को, को फॉर्म जमा कर दिए थे बहुत सारे लोग बोले कि सर हम पच्चीस अक्टूबर को फॉर्म भर दिए थे कॉलेज में दे दिए थे तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी लास्ट नवंबर में आप अपने कॉलेज में ये पूछिए कि सर सत्ताईस अक्टूबर से पहले हमारा स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है ये फॉरवर्ड किए हैं आपके नहीं आप अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में पूछेंगे तो बता बताएंगे कि हाँ आपका स्टेज फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में है या स्टेज सेकेंड में तो अगर स्टेज फर्स्ट में वो बोलेंगे मतलब सत्ताईस अक्टूबर से पहले अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ होगा तो ऐसे पंद्रह लाख लोगों को जल्द ही तीस नवंबर तक इस कार उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी बाकी जितने भी छात्र होंगे उनको लास्ट दिसंबर तक भेज दी जाएगी समझ गए अब बात करते स्टेटस के बारे में करेक्शन के बारे में और जो आपको गलतियां नहीं करनी है फिर से बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना गलतियां जो आप लोग करते हो मैं समझाता हूँ चलिए आठ चार सौ चार सौ चार सौ जी हाँ गाय इस व्हाट्सअप नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए चाहे आपका कोई क्वेश्चन मैथ का हो फिजिक्स का केमिस्ट्री का बायोलॉजी का विद इन फाइव सेकेंड आपको वीडियो सोलूशन मिल जाएगा इसमें आपको करना क्या होगा इस नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कर लेना है सिंपली आठ चार सौ चार सौ चार सौ इसको सेव करने के बाद आपका जो भी डाउट हो उसकी एक फोटो आपको खींचनी है फोटो खींचने के बाद इसको क्रॉप करना है क्रॉप करने के बाद आपको उस पर सेंड कर देना विद इन फाइव सेकेंड आपको वीडियो सोलूशन मिल जाएगा चाहे आप क्लास सिक्स के हो ट्वेल्थ के हो आई आई टी जेई नीट हो यूपी बिहार महाराष्ट्र किसी भी स्टेट के हो यहां से आप लोग व्हाट्सएप पर सलूशन पा सकते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जाओ आप लोग अपना वीडियो सलूशन पाओ और लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको सरकारी जॉब फाइंड क्रोम ब्राउजर पर सर्च कर लेना जिसको नहीं पता है। देख लो जिसको पता है वह भी देखे ध्यान से यहां पर पहला ऑप्शन चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस दो हजार इक्कीस बाईस इस पर क्लिक कर देना यहां तक सबको पता होगा अब आप लोग गलती क्या कर दो करेक्शन में मैं बता दूं पिछली बार क्या हुआ था बहुत सारे छात्र गलती किए थे जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी हालांकि पिछले बार नहीं इसके पहले भी बहुत सारे छात्र गलती किए थे क्योंकि दो हजार बीस इक्कीस में तो मान लो स्कॉलरशिप ही नहीं आई थी बहुत सारे लोगों की इसके पहले भी जो गलती किए हैं उनको खामियाजा ये भुगतान पड़ा था कि उनकी इसकाल नहीं आती है क्योंकि आप के टाइम जो छोटी सी गलती गलती करते हो ना उसके बाद उस को सुधार नहीं सकते मतलब आपका फॉर्म आपके हाथ से निकल जाता है देखिए नीचे आओगे यहां पर आपको कई सारे लिंक दिखाई देती हैं यहां पर देखिए आपको स्टेटस चेक करने के लिए, लिए देखिए क्या दे रहा है यहां पर? चेक स्टेटस एंड करेक्शन पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट तो देखिए अगर प्री मैट्रिक हो तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक हो यहाँ पर अदर देन इंटर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो यहाँ पर सिंपली देखिए स्टेटस और करेक्शन एक ही जगह से होता है जैसे मान लो मेरा फॉर्म रिन्यूअल है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा सभी लोग ध्यान से देखना यहाँ पर देखो इस तरह ओपन होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है एक पासवर्ड मिला हो तो उसको डालना होता है डेटा ऑफ बर्थ डालना होता है कैप्चा डाल के सबमिट करते हो तो आपका स्टेटस शो होता है और बगल में आपका देता है कि आवेदन पत्र की स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो वहाँ पर

जाते हो इसके कोने में दिया रहता है आवेदन पत्र की स्थिति को सुधारने के लिए यहां पर क्लिक करें इस पर जब आप लोग क्लिक करते हो तो आपका आय जात निवास बैंक आधार नंबर सब कुछ ओपन हो जाता है तो आप लोग करते क्या हो एक बार ट्रायल मारते हो आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या है कि ओपन कर लेते हो अपने से मोबाइल में ओपन कर लेते हो खोल देते हो आवेदन पत्र की स्थिति को सुधार करें उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग अपने से सुधार करने के बाद सबमिट कर देते हो बोलते हो कि चलो एक बार मैंने ट्राई कर लिया फिर चलेंगे कॉलेज में पूछ लेंगे नहीं तो किसी का यूट्यूब वीडियो देख के फिर से करेक्शन कर लेंगे आप लोग ये सोच तो बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि चलो इस समय बैंक अकाउंट नंबर मेरा गलत है इसको सही कर लेता हूँ सबमिट कर लेता हूँ मेरा ये करेक्ट हो गया बाकी मैं कल कर, कर लूँगा तो ऐसी गलती आप भूल कर भी मत करना क्योंकि अगर आप एक बार आवेदन पत्र की स्थिति पर सुधार करें उस पर करेक्शन का पोर्टल ओपन कर लेते हो ओपन करने के बाद जो भी सुधार करना रह गया मैं आपको बताऊँगा जैसे जैसे करना वैसे करने के बाद एक बार अगर आप सबमिट कर दिए अगर आप एक बार सबमिट कर दिए तो दोबारा आप फिर करेक्शन नहीं कर सकते तो ये समझ लेना आप लोग अगर ये भ्रम में हो कि चलो बैंक अकाउंट नंबर गलत था मैंने सही कर लिया बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं कॉलेज में जाके सर से पूछ के सही कर लूँगा ऐसा मत करना एक बार पोर्टल ओपन करने के बाद अगर सबमिट कर देते हो फाइनल सबमिट तो उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते करेक्शन नहीं कर सकते इसका मतलब आपकी स्कॉलरशिप आपके हाथ से आधे परसेंट निकल ली जा चुकी होती है क्योंकि करेक्शन जब एक बार नहीं कर पाओगे सबमिट कर दोगे तो करेक्शन का पोर्टल फिर आपके लिए ओपन नहीं होगा और जब आपका स्टेटस देखोगे तो वहाँ से डी से रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म और सीधे सीधे स्कॉलरशिप आपकी रुक जाएगी मान के चलो सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आपकी स्कॉलरशिप आपके हाथ से निकल जाती है तो ये गलती आप लोग मत करना मैंने सोचा वीडियो बना के आपको ये चीज़ें बता दें पहले से ही कंसन पोर्टल ओपन होती है आप लोगों में खलबली मचेगी मुझे पता है हड़बड़ी मचती है कि पोर्टल ओपन हो गया जल्दी से जल्दी फॉर्म सही करो थोड़ा रिलैक्स करना पोर्टल ओपन होगा मैं बताऊंगा कैसे सुधार करना यह भी मैं बताऊंगा बस आराम से करना समझ गए बाकी जब भी ओपन होगा मैं बता दूंगा तब तक के लिए बाय बाय वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना।